हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी एस एस एडवांस्ड। और इसमें हम कई सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट पोजिशन, मास्किंग, बटन्स, पेजिनेशन, मल्टीपल कॉलम्स, यूजर इंटरफेस, वेरिएबल्स, बॉक्स साइजिंग और मीडिया क्वेरीज। तो इन सभी को हम देखेंगे और ये हमारा सी एस एस एडवांस्ड का लास्ट वीडियो होगा। और इसके बाद सी एस एस से रिलेटेड कोई भी आपको इशू होता है, आप को मेरे सारे वीडियोज इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट फिट क्या होता है। ऑब्जेक्ट फिट बेसिकली हम इमेजेस या वीडियो टैग्स पे यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है, इमेज और वीडियो आप एक कंटेनर के अंदर डालते हो और कंटेनर का साइज अलग होता है आपके इमेज या वीडियो के साइज से। तो नॉर्मली किस तरीके से इमेज फिट करता है उस कंटेनर में, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट फिट को यूज करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक इमेज यूज करते हो और उसकी हाइट विड्थ फिक्स कर देते हो, तो इररिस्पेक्टिव कि उसकी ओरिजिनल हाइट विड्थ क्या है, वो उसी हाइट और विड्थ में एडजस्ट कर लेता है, जिससे ये इफ़ेक्ट कुछ खास अच्छा नहीं दिखता। और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फिल इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट होता है फिल, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है और ये स्ट्रेच होके स्क्विश्ड हो जाता है ताकि वो फिट हो सके, बट इससे हमारा इमेज डिस्प्ले सही नहीं होता। तो इसमें हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो कवर में बेसिकली क्या होता है, ये अपने जो भी आस्पेक्ट रेशियो है, ओरिजिनल आस्पेक्ट रेशियो, उसको वो अपने साथ रखता है और इस डायमेंशन में 200 और 300 पिक्सल में उसको कवर कर लेता है। थर्ड हमारा है कंटेन। कंटेन के केस में क्या होता है, जो इसकी आस्पेक्ट रेशियो होती है वो उसी आस्पेक्ट रेशियो में छोटा हो जाता है और उस साइज को वो उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। इसमें ऊपर और नीचे कुछ स्पेसेस छूट सकते हैं। फिल बाय डिफ़ॉल्ट होता है और वो उस साइज में उसे फिल करता है, जैसा मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट फिट नन बेसिकली जब हम करते हैं तो इमेज रीसाइज नहीं होती है। और एक लास्ट हमारे पास वैल्यू होती है स्केल डाउन, जिसमें हम इमेज जो है बेसिकली आपके स्केल डाउन हो जाती है स्मॉलेस्ट वर्जन में, आइदर वो नन हो सकता है या कंटेन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट फिट वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ये आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट पोजिशन। ऑब्जेक्ट पोजिशन बेसिकली क्या है कि जो इमेज आपका कवर होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट फिट कवर करते हैं तो हमारा जो भी, जैसे सपोज ऊपर में ये इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, लेकिन इसे जब हम नीचे वाले डायमेंशन में कवर करते हैं तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है एक पार्टिकुलर एरिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस बैकग्राउंड पोजीशन का एरिया भी हम किस पोजीशन से स्टार्ट है वो सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन 80%, 100% या फिर 0% ऐसे कर सकते हैं। इस एग्जांपल को मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए इसकी जो इमेज है, बेसिकली मैं इसके इमेज को भी डिस्प्ले कर देता हूँ, हाइट विड्थ हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं इसके क्लास बना देता हूँ, इमेज क्लास सी। तो ये जो पहला वाला है, ये ओरिजिनल इमेज है, दूसरी में ये जो है, और 200 बाय 300 पिक्सल में जो इमेज अपने आप अपने हिसाब से ये ऑब्जेक्ट पोजीशन हमने 80% कर दिया है। तो अगर मैं इसको 0% कर देता हूँ तो देखिए ये लेफ्ट से यहाँ से स्टार्ट होगा, इस इमेज से 0% से यहाँ तक। अगर मैं इसको 50% कर देता हूँ तो ये 50% के हिसाब से ले लेता है। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मास्किंग। मास्किंग बेसिकली आप एक बैकग्राउंड में अगर आपके पास कोई इमेज है और उसके ऊपर आप मास्किंग इफेक्ट दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम मास्क लेयर का यूज कर सकते हैं, जिसे हम सीएसएस मास्किंग कहते हैं। तो अगर इस इमेज को, जो पीएनजी इमेज है, उसको इसके ऊपर हम रखें तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा इफेक्ट आपको बनकर दिख सकता है। और यहाँ पे हमने मास्किंग यूज की है। तो मास्किंग यूज करने के लिए हम यूज करते हैं मास्क इमेज प्रॉपर्टी। और यहाँ मास्क इमेज प्रॉपर्टी में हम देते हैं कि कौन सा आपका लोगो है, ओके। तो ये हमारा लोगो है, W3 स्कूल्स का लोगो है, और इसको हम मास्क करेंगे। तो देखिए इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर बेसिकली हम एक इमेज यूज कर रहे हैं जो बैकग्राउंड इमेज है, ये नीचे वाला इमेज जो है, और इसके ऊपर हम एक मास्क वन का एक क्लास यूज कर रहे हैं।
तो मास्क वन क्लास यूज करते ही और उसके अंदर हम मास्क इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूआरएल के थ्रू लोगो, तो ये लोगो ऑटोमेटिकली इस वाले इमेज के ऊपर मास्किंग का काम करेगा और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ मास्क को रिपीट भी कर सकते हैं, अगर हम इसे रिपीट कर देते हैं तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाली इमेज रिपीट होगी पूरे बैकग्राउंड पे। ओके, यहाँ से भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा, नाउ सी, तो यहाँ पर ये लोगो जो है इस पूरे बैकग्राउंड इमेज पे जितना बड़ा है उस पे वो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मास्किंग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है CSS बटन्स। बिल्कुल बेसिक CSS के थ्रू हम एक नॉर्मल बटन को काफ़ी सुंदर बटन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखो ये एक बटन है, फिर आपका ये अलग अलग कलर्स के बटन्स आप बना सकते हो। तो यहाँ बहुत ही सिंपल हमने क्या किया है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया है और पैडिंग दी है और कहीं पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कलर को ब्लैक किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइज के बटन्स बना सकते हो और अलग अलग पैडिंग दे सकते हो, बटन्स को राउंडेड कॉर्नर यूज कर सकते हो, सिर्फ बॉर्डर वाले बटन्स दिखा सकते हो, होवर बटन्स बना सकते हो जिसमें आप माउस ओवर करते ही ये आपका कलर चेंज होता है। और यहाँ पर देखिए हमने ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी यूज किया है, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन यूज करते ही ये इसका जो लुक एंड फील है काफ़ी और अच्छा आ जाता है, ये एक बहुत ही एक एनिमेटेड लुक आपका देता है। नेक्स्ट है आप शेडो भी यूज कर सकते हैं अपने बटन्स के ऊपर, और बटन को डिसेबल फॉर्मेट में भी दिखाने के लिए हम ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं और कर्सर हम नॉट अलाउड यूज करेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि ये बटन डिसेबल्ड है। बटन की विड्थ भी हम चेंज कर सकते हैं, पिक्सल्स में परसेंटेज में दे सकते हैं और बटन को हम साथ में ग्रुप कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट। बॉर्डर्ड बटन भी हम बना सकते हैं यूजिंग सिंपल बॉर्डर प्रॉपर्टी, और वर्टिकल बटन्स भी हम बना सकते हैं जस्ट यूजिंग डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पर हमने एक बटन बनाया है, क्लिक करके इसको हम इमेज के बीच में रख सकते हैं और ये होवर करके इसका हम एक अच्छा इफेक्ट दिखा सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए बेसिकली हमने आफ्टर स्यूडो क्लास का यूज किया है, और यहाँ पे हम कंटेंट दे रहे हैं ये एरो, और इसको ट्रांजिशन के थ्रू हम ये इफेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आप बटन्स पे लगा सकते हो। CSS के थ्रू हम पेजिनेशंस भी कर सकते हैं, और ये देखिए पेजिनेशन के कई सारे सैम्पल्स हैं, और पेजिनेशन के लिए बहुत ही सिंपल कोड है हमारा। एक क्लास बनाएंगे जिसमें जिसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होगा, और उस क्लास के अंदर जितने भी ए टैग यूज करेंगे उसका पैडिंग हम दे देंगे, फ्लोट लेफ्ट रख लेंगे। यहाँ पर हम एक्टिव क्लास बना सकते हैं और एक्टिव क्लास को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और जब हम होवर करेंगे तो एक्टिव को एक्सक्लूड करने के लिए नॉट एक्टिव हम यूज कर सकते हैं, जिससे बाकी सभी एलिमेंट्स में लिस्ट में ये होवर करते ही इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एक्टिव है उस पर वो होवर पे वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं, आपके बॉर्डर्ड है, विदाउट बॉर्डर है, और इसका साइज आप बड़ा कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो, एरो यूज कर सकते हो, तो ऐसे कई सारे आपके पास ऑप्शंस है। आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो और उसके लिए आप कुछ इस तरीके का CSS लिख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे। मल्टीपल कॉलम्स लेआउट के लिए हमारे पास बहुत ही एक आसान सी प्रॉपर्टी है कॉलम काउंट, और यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉलम काउंट दिखाकर बता सकते हो कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसको तीन कॉलम्स दो कॉलम्स में डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर हमने तीन कॉलम्स में उस कंटेंट को डिवाइड कर दिया है जो बिल्कुल न्यूज़पेपर का लुक देता है। नेक्स्ट हमारा है गैप देना। अगर कॉलम्स के बीच में हमें गैप करना है तो कॉलम गैप यूज कर सकते हैं, और कोई स्टाइल हमें देना है तो सॉलिड का स्टाइल दे सकते हैं, मतलब ये जो बीच में आपके लाइंस है वो सॉलिड हो जाएंगे, डॉटेड वगैरह भी आप दे सकते हो। कलर देना चाहो तो लाइट ब्लू दे सकते हो, यहाँ पे बीच में जो लाइंस है वो लाइट ब्लू हो जाएगा। और कॉलम स्पैन, अगर आप कॉल स्पैन करना चाहते हो, मतलब ये जो आपका ऊपर जो हेडिंग है वो कॉल स्पैन हो जाए तीनों कॉलम्स को लेकर, तो यहाँ पे कॉलम काउंट हमारा 3 था, और इसके अंदर अगर H2 आप यूज करते हो तो कॉल स्पैन जो है कॉलम स्पैन ऑल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है मल्टीपल कॉलम्स को यूज करना। और चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के अंदर हम एक रिसाइज प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और आप चाहो तो अपने किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल के साइड से रिसाइज कर सकते हो, राइट?
मतलब वो वर्टिकल आपका रिसाइज नहीं होगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में होगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसको नीचे खींच रहा हूँ तो नीचे नहीं खींचा जाएगा, ओके। और उसी तरीके से अगर आप चाहो तो सिर्फ वर्टिकल भी रिसाइज कर सकते हो, जैसे ये मैं इसको लेकर ये मैं वर्टिकल तो खींच सकता हूँ लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं खींच सकता। तो ये हमारा हो गया यूजर इंटरफेस। और अगर आप रिसाइज नन कर देते हो तो आप रिसाइज नहीं कर सकते। बॉर्डर, ये जो हमारा बॉक्स मॉडल होता है उसके अंदर हमारा कंटेंट होता है, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, और बॉर्डर और उसके ऊपर के स्पेस के लिए हम आउटलाइन ऑफसेट यूज कर सकते हैं। और ये बॉर्डर और उसके बीच ऊपर जो आउटलाइन हम देते हैं उन दोनों के बीच के स्पेसिंग को दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा यूजर इंटरफेस। CSS के अंदर हम वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, और वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, ग्लोबल और लोकल। तो वेरिएबल्स का यूज बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम पूरे वेबसाइट में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने SAS में देखा था कि हम एक बैकग्राउंड कलर बना के रखना चाहते हैं कि पूरे बैकग्राउंड कलर का एक वेरिएबल बना लो, और जहाँ भी आप यूज करना चाहते हो उस बैकग्राउंड वेरिएबल को एक जगह चेंज करो और सभी जगह वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल का यूज करने के लिए हम वेयर कीवर्ड यूज करेंगे। और चलिए इस एग्जांपल को मैं दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली एक नॉर्मल एग्जांपल है जहाँ पर हम कलर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने वेरिएबल यूज नहीं किया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए वेरिएबल का यूज कैसे करने वाले हैं। वेरिएबल का यूज करके हम यहाँ पर रूट लेवल पे दो वेरिएबल्स, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ब्लू डबल डैश के बाद ब्लू लिखा है, तो ब्लू इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल और ये उसकी वैल्यू है। तो ये वाला जो कलर है ये आपको हमेशा याद रखना पड़ता है, उसकी जगह हमने इसको वेरिएबल बना दिया। और जहाँ जहाँ हमें यूज करना है ये बैकग्राउंड कलर, आप सीधा लिखोगे वेरिएबल ब्लू, तो ये वेरिएबल ब्लू की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लगा देगा। तो वेरिएबल ब्लू, वेरिएबल वाइट, वेरिएबल वाइट, वेरिएबल ब्लू। तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है, हमारा कोड भी रीडेबल हो जाता है, और इसके थ्रू हम वेरिएबल बना के एक ही, अगर हमें 10 जगह चेंज करना है तो हम 10 जगह चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर चेंज करेंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। एक और ऑप्शन है जहाँ पर आप जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को आप ओवरराइड कर सकते हो ग्लोबल से, मतलब इस ग्लोबल की वैल्यू अगर आपकी ब्लू है तो उसको दूसरे कलर में भी आप चेंज कर सकते हो। चलिए कि ओवरराइडिंग वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पर हम ओवरराइडिंग वेरिएबल्स देखेंगे, और यहाँ पर देखिए ब्लू वाइट जो ग्लोबल वेरिएबल्स है हम नीचे में इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। और ये रहा एग्जांपल, यहाँ पर हमने ब्लू को चेंज कर दिया है डिफरेंट कलर में, तो ये यहाँ पर लोकल वेरिएबल ओवरराइड कर देता है ग्लोबल वेरिएबल को, और ब्लू की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स को ओवरराइड भी कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स को जो CSS के वेरिएबल्स हम बना रहे हैं वो बेसिकली दे हैव एक्सेस टू DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसलिए क्योंकि ये DOM को एक्सेस कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बताऊंगा। और नेक्स्ट हमारा है कि मीडिया क्वेरी में भी हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज हम ब्लू में और वाइट में ये हमने कलर दे दिया है, और यहाँ पे हम कंटेनर यूज कर रहे हैं, और इस कंटेनर में फॉन्ट साइज हमने 25 पिक्सल किया है, तो ये 25 पिक्सल जो है ये हमारा एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को हम मीडिया क्वेरी के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर हमारा जैसे ही मिनिमम विड्थ 450 पिक्सल आ जाता है आपके डिवाइस का, तो फॉन्ट साइज हम इसे 50 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, जैसे ही अब हमारा छोटा होता है तो ये साइज़ छोटा हो गया, और जैसे ही ये हम बड़ा कर रहे हैं तो साइज़ बड़ा हो गया। तो ये हम वेरिएबल्स को मीडिया क्वेरी के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है CSS बॉक्स साइजिंग। और बेसिकली क्या होता है, बॉक्स मॉडल अगर आपको पता है तो सबसे बीच में हमारा कंटेंट होता है, कंटेंट के ऊपर पैडिंग होता है, पैडिंग के बाद बॉर्डर होता है, बॉर्डर के ऊपर मार्जिन होता है, और इस तरीके से हमारा बॉक्स मॉडल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस डिव की विड्थ 300 विड्थ करते हैं, और नीचे वाले डिव की भी विड्थ 300 करते हैं, और पैडिंग भी दे देते हैं, नीचे वाले में हमने पैडिंग भी दे दिया है, तो पैडिंग करते ही ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाते हैं और विड्थ हो जाती है बड़ी। तो अगर आप चाहते हो कि जो मेरी विड्थ है नो मैटर व्हाट वो 300 पिक्सल ही हो, आप चाहे उसमें पैडिंग जितनी भी दे दो, तो उसके लिए हम जो है CSS बॉक्स साइजिंग यूज करेंगे। तो बॉक्स साइजिंग के तीन ऑप्शंस होते हैं बेसिकली,
बॉक्स साइजिंग को आप बॉर्डर बॉक्स कर सकते हो। तो बॉर्डर बॉक्स करते ही बॉर्डर और पैडिंग जो है वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए ये दोनों के साइज सेम हो जाते हैं और यहाँ पर पैडिंग भी अप्लाई हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हमारा है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी के थ्रू हम अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डिवाइस के हिसाब से। और अगर आपका ये जैसे सपोज ये वेब पेज है, इस वेब पेज को अगर आप छोटा करते हो तो उसके हिसाब से आप अलग CSS लिखना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल है। और इसका जो सिंटैक्स होता है, मीडिया इक्वल टू मीडिया टाइप, मीडिया टाइप के अंदर आपका प्रिंट, ऑल, ये सब वैल्यूज़ होती है, स्क्रीन, स्पीच, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है आपका, उसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल जैसे ही होती है तो हम इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन है और ग्रीन से जैसे हम छोटा करते हैं तो ये आपका पिंक हो जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पिंक है। और जैसे ही इसकी इसका साइज 480 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा होता है तो ये लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम मीडिया क्वेरी का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे मीडिया क्वेरी के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल में अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोज़ में आपको बताए हैं, तो वहाँ से जाकर आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कॉलम्स वगैरह डेफिनेशंस बनाए हुए हैं। तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द विड्थ, कि मैक्स विड्थ जैसे 992 है तो ये वाला कॉलम की विड्थ जो है 50% हो जाए, और जैसे ही 600 पिक्सल से कम होता है तो इसका डायरेक्शन कॉलम में हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग लुक एंड फील दे सकते हो। मोबाइल पे सिंगल कॉलम, टैबलेट पे दो कॉलम और डेस्कटॉप पे चार कॉलम। तो इस तरीके से आप मीडिया क्वेरी के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो CSS के अंदर। फ्लेक्स बॉक्स का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बनाकर आपको दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, और यहाँ मेरा ये CSS ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। और बाकी आप खुद से एग्जांपल्स रेफ़र कर सकते हो, यहाँ CSS के कुछ रेफरेंसेस भी हैं वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे रेफरेंस हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें जाकर देख सकते हो। प्लस मेरे ऑलरेडी 50+ वीडियो का ये प्लेलिस्ट है, इसमें कहीं भी आप जाके जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है उस टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हो। और कभी भी किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है, कभी कोई भी CSS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे मेरे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।